वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत ने कुव्वत दिखाई लेकिन मोदी की हिंदुत्वा सरकार को चीन से मुंह की खाना पड़े। पहले उनकी सिर्फ जिस्मानी पिटाई की गई, अब भारतीय फौज की 20 के करीब अमवात भी हो चुके हैं। भारत चीन के साथ मुतनाज़े इलाके में सड़कें बना रहा था लेकिन चीन ने मामले को पुरअमन तौर पर हल करने की कोशिश की। भारत पाकिस्तान और नेपाल के साथ भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी बढ़ा रहा है। फिक्रमंद हूँ कि हालात जो हैं, जो एक स्टैंड ऑफ था कुछ अरसे से, कुछ दिनों से चल रहा था, जिसको चीन ने गुफ्तगुशुनीद से, डायलॉग से हत्तुल वसा कोशिश की हल करने की, लेकिन भारत अपने रवैये की वजह से, आपने देख रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो उनका वो मुतनाज़ा इलाका है, चीन और भारत का जो बॉर्डर है, वहां भी बिगाड़ पैदा कर रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो तनाजा है पाकिस्तान और भारत का कश्मीर पे, उस पे भी बिगाड़ पैदा कर रहा है सीज फायर वायलेशन से। और फिर आपने देखा कि अब नेपाल के साथ भी उनका एक तनाजा खड़ा हो गया टेरिटरी डिस्प्यूट पर, और नेपाल से वादा करता रहा कि इस मसले को हम हल करेंगे, न किया, और अब नेपाल की असेंबली ने एक करारदाद के जरिए वो इलाके जो वो समझते हैं उनके हैं और जिन पर भारत काबिज है, उन्होंने उनको क्लेम कर लिया है।